रानू जयपाल, महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल इंद्रपुरी भोपाल मध्य प्रदेश की ओर से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। मकर संक्रांति की पावन बेला पर गोरक्षपीठ महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रातः 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक तौर तरीके से खिचड़ी अर्पित कर खिचड़ी पर्व की शुरुआत की और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दी। जैसा कि गोरक्षपीठ के खिचड़ी पर्व का बहुत विशेष महत्व है, देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए गोरखनाथ मंदिर में जाते हैं। मान्यता के अनुसार जो खिचड़ी चढ़ाई जाती है वो नेपाल के राजा भेजते हैं। इसी खिचड़ी से गोरक्षपीठ महंत पूजा पाठ करते हैं। खिचड़ी मेला को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। पूरा मंदिर परिसर पुलिस छावनी में तब्दील है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। ये जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है। इस चराचर जगत में जहां भी जीव सृष्टि है जगत पिता सूर्य के कारण है। उनकी उपासना का पर्व होने के नाते सबके जीवन में जीवंतता आए, एक नए उमंग एक नए उत्साह के साथ सभी लोग अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा सके, मैं इस बात की शुभकामनाएं भी देता हूं। मकर संक्रांति भारत की पर्व और त्योहारों की जो लंबी और वैविध्यपूर्ण परंपरा है उसमें इस पर्व का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश के अंदर आप देखेंगे तो मकर संक्रांति का यह पर्व अलग अलग नाम और रूपों में मनाया जाता है। पूरब में बिहू के रूप में, पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो लोहड़ी के रूप में, उत्तर में मकर संक्रांति को खिचड़ी और तिलवा संक्रांति के रूप में, तो दक्षिण में पोंगल के रूप में ये मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी देशवासी मनाते हैं। स्वाभाविक रूप से खिचड़ी, उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व के रूप में इसका महत्व है। और जब खिचड़ी की बात आती है तो शिव स्वरूप भगवान गोरक्षनाथ जी को मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के विभिन्न कोनों से आने वाले श्रद्धालुजनों के द्वारा तो इस अवसर पर अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जाती है। नेपाल से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन इस अवसर पर आकर के शिव स्वरूप भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति पर्व की अपनी महत्व है। हम सब जानते हैं कि सूर्य का अयन वृत्त 12 बराबर राशियों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण संक्रांति कहलाता है और जब यही संक्रांति धनु राशि से मकर राशि में होता है तो वह पावन तिथि और मुहूर्त। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरेश प्रजापति की रिपोर्ट।